come on तो माय चैनल इस भी, और आज का वीडियो होगा इस पे और ये है ये का सनस्क्रीन और सनस्क्रीन समर में तो सभी यूज करते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका रिव्यू किया जाए और ये बहुत बहुत ही अमेजिंग सनस्क्रीन है तो सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं जो सबसे फर्स्ट होता है रिव्यू का तो ये है पैकेजिंग इसका जो कि येलो कलर का इसका ये ट्यूब है एंड और ऑरेंज कैप मिलता है आपको और कैप इसका फ्लिप टाइप में है इस तरह से ओपन होता है और बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ये मतलब बंद भी हो जाता है आप देख सकते हैं और ये जो सनस्क्रीन है ये एस पी एफ थर्टी वाला है और वी एस सी सी में आपको और भी सनस्क्रीन रेंज मिल जाते हैं लाइक SPF 50, 30 है ये फिर इसमें आपको फिफ्टीन भी मिलेंगे ट्वेंटी आई थिंक मिलते हैं तो सभी मिल जाते हैं तो ये इसमें बहुत अच्छी बात है कि वेराइटी आपको जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं ये जो सनस्क्रीन है ये है मैच लुक डी पिगमेंटेशन सनस्क्रीन जेल क्रीम ये जेल बेस्ड क्रीम है तो ये एसक्रिप थर्टी है एंड इसमें पी ए ट्रिपल प्लस है एंड ये अल्ट्रा वायलेट ए एंड बी दोनों रेस से आपको प्रोटेक्ट करता है मीन्स जो एक सनस्क्रीन में परफेक्ट सनस्क्रीन में होना चाहिए वो सभी चीज़ें इसमें भी हैं तो ये इसमें बहुत अच्छी बातें हैं और इसका जो मेन थिंग्स दिया हुआ है कि ये टिंटेड फॉर्मूला है टिंटेड टाइप में है फिर नॉन ग्रीसी मैट लुक देता है एंड रिड्यूस पिगमेंटेशन को आप थ्री इयर्स तक यूज कर सकते हैं इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो थ्री इयर्स के लिए है एंड ये जो सनस्क्रीन मैंने हंड्रेड ग्राम का लिया हुआ है और इसकी प्राइस है थ्री टेन रुपीज बट मैंने इसे परचेज किया अमेज़न से इसे मैंने कम प्राइस में परचेज किया है क्योंकि ये ऑफर में था इसलिए और आप इसमें 50 ग्राम के भी आते हैं तो अगर कम वाले आपको चाहिए तो आप वो ट्राई कर सकते हैं इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जो इसमें मेन है जो इसके फ्रंट पे दिया हुआ है वो है फ्रागा एंड कैरेट एक्सट्रैक्ट तो इसमें जो मेन चीज है वो सैक्सो क्या करता है वो आपके जो डार्क स्पॉट होते हैं ना उसे वो लाइट करता है मीन्स स्पॉट को वो कम करता है या पिगमेंटेशन को कम करता है और कैरेट एक्सरैड क्या करता है वो आपके स्किन को फेस को मॉइस्चराइज करता है अच्छी तरह से तो ये दोनों इन्ग्रेडियंट इसमें मेन है और ये सबसे जो इसकी खास बातें हैं ये पैराविन फ्री है इसमें पैराविन नहीं है तो आप चलिए इसके बैक साइड में देखते हैं ये इतना कुछ ये फ्रंट में था ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होता है जैसे इसमें अल्ट्रावायलेट ए बी फिर पी ए, ट्रिपल प्लस है तो वो सभी बहुत अच्छे होते हैं सनस्क्रीन के लिए तो ये आपके पिगमेंटेशन को कम करता है तो कोई भी सनस्क्रीन हम इसीलिए अप्लाई करते हैं कि मेरा स्किन जो है वो टैन ना हो या फिर पिगमेंटेशन ना हो प्रीमेच्योर एजिंग ना हो तो उन सब चीजों से बचने के लिए परफेक्ट है वही सब इसमें लिखा हुआ भी है इसमें अप्लाई कैसे करना है तो आपको लिबरली एंड इवेनली आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है पंद्रह से बीस मिनट पहले जब आप सन रेज में बाहर जाते हैं उससे पहले आप इसे अप्लाई कर लीजिए और अगर आपका ड्यूरेशन सन रेज में ज्यादा है आपको ज्यादा टाइम तक बाहर रहना है तो आपको री अप्लाई करना होगा टू, टू टू थ्री आवर के बाद तो इसकी अब हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी किस टाइप में है तो आप देखिए इसकी जो ओपनिंग ही इस टाइप में नोजल टाइप में बहुत अच्छा है और सबसे मेन ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा है बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाता है ये आप देख सकते हैं ये और ये थोड़ा आपको बीबी -बी क्रीम टाइप का लगेगा बट उतना कवरेज नहीं देता है आपको बट जो इसका टिंटेड टाइप में है थोड़ा पिंक टाइप में ये दिखेगा और आप देख सकते हैं ये इजिली ब्लेंड हो जाता है बहुत ही अच्छे से तो चलिए ऐसे मैं आपको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ किस टाइप से है और कैसे ब्लेंड होता है तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर लगाया वैसे कभी भी आप डायरेक्ट सनस्क्रीन अपने फेस पे ना अप्लाई करें सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए अगर आपके पास कुछ ना हो तो एलोवेरा जेल जरूर से अप्लाई कर लीजिए उसके ऊपर सनस्क्रीन डायरेक्ट फेस में कभी भी नहीं लगाना चाहिए सनस्क्रीन और इसका जो स्मेल है फ्रेग्रेंस वो बहुत अच्छा है बहुत ही फ्रूटी टाइप में है और अच्छा वाला है ऐसा नहीं कि आपको बहुत स्ट्रांग लगेगा या कुछ भी तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं बहुत अच्छा सनस्क्रीन है अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और इसके परचेज लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं या फिर देख भी सकते हैं किस टाइप में है तो ये था हमारा आज का वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ एंड फैमिली थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू बाय वैन टेक केयर